तो आप देख सकते हो यहाँ पर आज हमारे पास क्या है, ये ऑनलाइन यूपीएस है और इसका बैटरी है और काफ़ी सारा कनेक्शन आप देख सकते हो। तो चलिए आपको डिटेल में बताते हैं फ्लैशबैक लेके। नमस्कार दोस्तों, एक और नया वीडियो में आप लोग का स्वागत है दोस्तों और आप देख रहे हो कमलेश इलेक्ट्रिशियन चैनल। तो दोस्तों आज के टॉपिक में आपको बताएंगे ऑनलाइन यूपीएस इंस्टॉलेशन किस तरीके से किया जाता है। तो हमारे पास इंडोर स्टेडियम पे ऑनलाइन यूपीएस आया है, तो हम आपको बताएंगे ऑनलाइन यूपीएस को इंस्टॉलेशन किया कैसे जाता है और कितने सारा बैटरी लगेगा ऑनलाइन यूपीएस में और कितने वाटेज का है। तो 5 किलोवाट का हमारे पास ऑनलाइन यूपीएस आया है। तो दोस्तों हमारे पास 5 किलोवाट का जो ऑनलाइन यूपीएस लाया गया है और हम इसमें इंस्टॉलेशन करके दिखाएंगे आपको डिटेल, बैटरी कैसे कनेक्शन करना है, किस तरीके से ऑनलाइन यूपीएस को जोड़ा जाता है और ऑनलाइन यूपीएस किस कारण लगाया जाता है आज आपको तो पता ही होगा। जो हमारे इलेक्ट्रिकल पार्ट्स रहता है, इलेक्ट्रिकल सामान रहता है, वो काफ़ी नाजुक रहता है, काफ़ी महंगा रहता है और कंप्यूटर भी रहता है उसमें, हम लोग को लाइट जो है कुछ सेकेंड के लिए चले जाता है तो उसके लिए पूरा शटडाउन हो जाता है, उसके लिए हमारे को ऑनलाइन यूपीएस लगाया जाता है। और सर्वर के लिए तो काफ़ी ज़्यादा ध्यान देके सर्वर के लिए भी ऑनलाइन यूपीएस लगाया जाता है। और मेडिकल स्टेडियम पे क्यों लगा रहे हैं वैसे सोच रहे होंगे ना, तो वहाँ पर बीओकी में लिखा हुआ है ऑनलाइन यूपीएस इंस्टॉलेशन के लिए। तो चलो हम आपको बताएंगे ऑनलाइन यूपीएस कैसे तरीके से इंस्टॉलेशन किया जाता है। तो वीडियो पे न्यू आए तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि ऐसा ऐसा रिलेटेड वीडियो आपको मिलते रहते। चलो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए आपको दिखाते हैं, यहाँ पर आपको देखने को मिल जा रहा होगा बैटरी। तो यहाँ पर टोटल अपने पास 16 पीस बैटरी आया और एक्साइड कंपनी का है और आप देख सकते हो। और कितने वोल्ट का होगा सोच लो, 12 ही तो वोल्ट रहता है भाई। तो यहाँ पर 18 mAh का हमारा बैटरी है। कैमरामैन पास आइए, यहाँ पर फोकस करिए, यहाँ पर देख सकते हो एक्साइड, ठीक है, 12 वोल्ट 18 mAh, मतलब 18 mAh का हमारा ये बैटरी है। तो यहाँ पर टोटल अपने को मिल रहा है 16 पीस। तो 16 पीस में हम लोग को इसको सीरीज में करेंगे, पैरेलल में करेंगे, तो हम आपको वीडियो में पूरा डिटेल बताएंगे। पहले तो आपको दिखा देते हैं ऑनलाइन यूपीएस। यहाँ पर ऑनलाइन यूपीएस है, आप देख सकते हो ऑनलाइन यूपीएस है, ये 5 kV का है। आपको दिखा देते हैं यहाँ पर 5 किलोवाट का, यहाँ देखिए मेंशन है, यहाँ पर कैमरा में फोकस करिए, यहाँ पर 5 kV का। तो चलो इसको अनबॉक्सिंग करते हैं, क्या क्या है इसमें। बैटरी तो ये डब्बे से खुला हुआ था, डब्बे ख़राब हो गया, काफ़ी दिन से पड़ा था। तो हम लोग जो है इसको भी आपको दिखाते हैं, ये भी काफ़ी दिन से आके यहाँ पर पड़ा हुआ है, इसको इंस्टॉलेशन किए नहीं है। और सामने में अपने को दिख जा रहा है मैनुअल कार्ड, यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा इंस्टॉलेशन कैसा होगा, किस तरीके से होगा। यहाँ पर कार्ड भी देखने को मिल, और यहाँ पर एक कैसेट देखने को मिल रहा होगा, ये इसका सॉफ्टवेयर है, ऑनलाइन यूपीएस जब सॉफ्टवेयर भी मार सकते हैं इसको, और ये ऑनलाइन मोबाइल से भी कनेक्ट हो सकता है। तो यहाँ पर अपने को 2-3 और आइटम देखने को मिलेगा, स्टैंड मिल रहा है। और यहाँ पर बैटरी के लिए देखिए कितना हेवी वाला हमारा जो माइनस प्लस जो टर्मिनल रहेगा उसमें लगाने के लिए, और ये ऑनलाइन यूपीएस पे लगेगा। तो चलो इसको बाहर करते हैं और दिखाते हैं ऑनलाइन यूपीएस का। तो देख रहे हो दोस्तों किस तरीके से इसको पैकिंग करके दिया गया है, और काफ़ी महंगा रहता है ना यूपीएस हमारा ऑनलाइन यूपीएस। आपको देखे होगे नॉर्मल यूपीएस हमारा रहता है स्क्वायर वे साइन वे, वो काफ़ी छोटा रहता है। ऑनलाइन यूपीएस इतना महंगा क्यों रहता है और इतना बड़ा क्यों है, तो ये काफ़ी हेवी रहता है और ये जो है महंगा भी रहता है, ठीक है, ऐसा नहीं कम प्राइस में मिल जाएगा आपको। और इसका यूपीएस देख रहे हो इसका साइज, इसको कोई कंपनी वाले आए थे इसको चेक करके गए हैं जो हमारे इंडोर स्टेडियम पे, इसको खोले थे एक बार, ऐसा लग रहा है इसीलिए डस्ट दिख रहा है आपको। और देखिए यहाँ पर आपको ये फ्रंट साइज आपको दिखाते हैं, यहाँ पर बोले थे ना, देखिए यहाँ पर फ्रंट साइज देखिए, नहीं नहीं मोबाइल 4 इंच का है और लंबाई में हाइट में ज़्यादा है, ठीक है, ये फ्रंट है। और उसके बाद बैक एरिया आपको दिखाते हैं, यहाँ पर बैक पे देखिए, यहाँ पर ये बैक साइड है और आप देख सकते हो यहाँ पर ऑनलाइन यूपीएस देख, ये देखिए 2 फैन देखने को मिल रहा होगा और यहाँ पर इनपुट आउटपुट आपको देखने को मिल रहा होगा। और आपको बता दूँ ये हमारा जो ऑनलाइन यूपीएस है ना, ये सिंगल फेस है, ठीक है, डबल फेस 3 फेस का भी आता होगा, फिर हमारे पास यहीं यहाँ पर आया ऑनलाइन यूपीएस जो सिंगल फेस का। और MCB देखने को मिलेगा यहाँ पर, और ये बैटरी का लीड जो है यहाँ पर लगेगा, आप DC देखिए यहाँ पर, यहाँ पर 240 वोल्ट लिखा हुआ है। तो अपने को जो है यहाँ पर देखिए बैटरी का यहाँ पर सैम्पल देखिए यहाँ पर, तो बैटरी इंटर होगा यहाँ पर 240 वोल्ट। तो हमारे पास बैटरी है यहाँ पर टोटल यहाँ पर 16 पीस, तो 16 पीस में हम लोग 12 मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो 216 आ रहा है। तो 240 वोल्ट यहाँ पर अपने को देना है,
ठीक है, तो ये ऐसा सीरीज में देना पड़ेगा अपने को। तो ये देखिए यहाँ से अपनों को पता चल जाएगा कितना बैटरी को पावर देना है, डीसी देना है, ठीक है। और ये हमारा एसी वाला इनपुट है ये, और यहाँ से कनेक्शन देना हो, काफ़ी सारा पिन देखने को मिलेगा, यूएसबी यूएसबी देखिए, और ये देखिए यहाँ पर पिन शॉर्ट किया गया पहले से, हम लोग को कुछ यहाँ पर किए नहीं, पहले से यहाँ पर वायर ज्वाइंट था, और दो वेंटिलेशन फैन देखने को मिल रहा होगा। तो चलो यहाँ पर हम सबसे पहले हम लोग को बैटरी का सेटअप करना है और किस जगह पे लगेगा चलो आपको दिखाते हैं ऑनलाइन यूपीएस। और एक और आइटम आपको दिखाना भूल गए, यहाँ पर डब्बे पे देखिए इसका कवर स्टैंड है नीचे में रखने के लिए, ठीक है। तो चलो आपको दिखाते हैं कुछ जगह पे यहाँ पर हम लोग इंस्टॉलेशन करने वाले हैं यूपीएस ऑनलाइन। तो आप देख सकते हो यहाँ पर फ्लोर पैनल आपको देखने को मिल रहा होगा, और फ्लोर पैनल के साइड पे अपने पास है यहाँ पर ये पैनल है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग को यूपीएस जो है इंस्टॉलेशन करना है यहीं पर, तो कनेक्शन देना है यहाँ पर। आप देख सकते हो यहाँ पर ऑनलाइन मतलब UPS DV 2 UPS DV 1 लिखा हुआ है, तो हम लोग को देना है VTPN में, ठीक है। तो यहाँ पर जो है यहीं पर हम लोग इंस्टॉलेशन करेंगे। तो चलो हम लोग लेके आते हैं यहाँ पर इन्वर्टर। तो चलो दोस्तों हम लोग अभी इंस्टॉलेशन करने वाले हैं हमारा बैटरी और UPS, ठीक है। तो किस तरीके से करेंगे इसके लिए हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर हम लोग फ्रेम लेके आए, और ये देखिए यहाँ पर नट लेके आए छोटा छोटा। तो ये जो है फ्रेम जो है किस में लगेगा ये आप सोच रहे होंगे ना, ये लगेंगे हम लोग बैटरी पे। इसको बनाया गया है फ्रेम, और इसके साइज का है जो बैटरी साइज है ना उसी साइज का इसको बनाया गया है। और ये हम नीचे पे रखेंगे बैटरी एक लिया, और उसके बाद 8 पीस ऊपर पे रखेंगे। इस तरीके से हमारा जो बैटरी का फ्रेम बन गया। इन्वर्टर के लिए तो छोटा सा स्टैंड है वहाँ पर, वो सब नीचे पे रहेगा फ्लोर पे। तो चलो बैटरी स्टार्ट करते हैं किस तरीके से पैलर जोड़ेंगे, एक ड्राइंग बनाते हैं आपको और बताते हैं किस तरीके से यहाँ पर 16 बैटरी को ज्वाइन किया जाएगा। काफ़ी लोग का सवाल आता है मेरे को, जितने भी सब्सक्राइबर भाई लोग मेरे को पूछते हैं, तो आप सर ड्राइंग क्यों नहीं बनाते इलेक्ट्रिकल ड्राइंग। तो चलो फाइनली आप लोग के लिए बैटरी का जो है इलेक्ट्रिकल ड्राइंग आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने बनाया है। और ये 12 वोल्ट का बैटरी है, और ये 16 पीस हमारा बैटरी है, ठीक है। तो 16 पीस और ऑनलाइन UPS, तो कनेक्शन कैसा होगा, ये जितना भी हुआ ये सीरीज में हुआ है, ठीक है। तो सीरीज में हुआ 12 वोल्ट का बैटरी, और कितना हो रहा होगा सोच रहे हो ना। तो हाँ चलो ये इसको हम लोग जोड़ देंगे, टोटल अपने को करना है 240, ठीक है 240 वोल्ट करना है। और ये बैटरी को जोड़ने के बाद कितना वोल्ट आता है तो हम आपको पूरा डिटेल बताएंगे मल्टीमीटर में टेस्टिंग करके, और ये ऑनलाइन UPS से AC करंट, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो 16 बैटरी का कनेक्शन कैसा किया है पैलर में। और आप सोच रहे होंगे ऑनलाइन UPS में बैटरी छोटा छोटा क्यों देता है, तो इसके लिए सीरीज में रहता है ना तो पावरफुल होता है, तो बैटरी लोग का पावर ज़्यादा नहीं मिलेगा, वोल्ट उतना ही मिलेगा और इसका पावर बढ़ जाएगा। तो इसके लिए पावर के लिए अपने को सीरीज में दिया जाता है बैटरी लोग को। तो चलो हम लोग बैटरी इंस्टॉलेशन करते हैं। इसके लिए हम लोग को वायर जो है लूपिंग करना है। इसको कैसे लूपिंग करेंगे, 6 mm का वायर लेंगे और वहाँ पर हम लोग रिंग लक्स लगाएंगे। तो चलो लगाने के बाद यहाँ पर हम आपको सेटअप करेंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों हम लोग वायर बना दिए, और यहाँ पर माइनस प्लस हम लोग कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो ये माइनस है और इधर प्लस है, ठीक है। तो आप देखिए इस तरीके से 6 mm में हम लोग वायर बना लिए, और इसको हम लोग को सेटअप करना है ये फ्रेम पे। तो फ्रेम पे पूरा सीरियल वाई करेंगे, और इन्वर्टर जिस तरफ रखेंगे उस तरफ से कनेक्शन कर लेंगे। तो चलो यहाँ पर हम लोग, तो चलो दोस्तों बैटरी रखते हैं हम लोग, सेटअप करते हैं। और इसको सेटअप करना है तो पूरा सीरियल वाई रखना है, ठीक है। यहाँ पर माइनस माइनस रखना है, प्लस प्लस जोड़ना है यहाँ पर। देखिए दोस्तों यहाँ पर प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, इस तरीके से हम लोग 8 बैटरी को हम लोग रख दिए, 8 बैटरी को, 8 बैटरी को नीचे वाले फ्लोर पे रखेंगे, ठीक है। तो सेम वैसे ही रखना है अपने को, कुछ चेंजेस नहीं करना है अपने को, और जगह देख लेना है कहाँ पर रखना है। ऐसा हम लोग सीरियल लेके आएंगे, टोटल अपना 16 पीस लग रहा है यहाँ पर। तो चलो इसका वायरिंग करते हैं, और किस तरीके से वायरिंग होगा हम आपको बताते हैं। यहाँ पर आपको लीड वायर आप देखने को मिल रहा है, इसको करना है सीरीज में ना। तो ये जितना भी इलेक्ट्रिकल ये हम लोग ड्राइंग बनाए ना उसी हिसाब से अपने को करना है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर माइनस से लेंगे, और माइनस से कहाँ लेंगे, तो चलो सबको माइनस माइनस हम लोग पहले लगा लेते हैं, और नहीं तो प्लस प्लस भी चलेगा, पहले माइनस माइनस लगाएंगे अभी।
चलो हम लोग बैटरी यहाँ पर देखिए किस तरीके से हम लोग रखे हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हो। चलो इसको वेयरिंग करते हैं। वेयरिंग कैसे करेंगे आपको बता दिए ना, यहाँ पर प्लानिंग हमारा जैसा है उसी हिसाब से अपने को करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर कैमरा मैन एक जन को पकड़ा लेते हैं अपना फ़ोन, क्योंकि मैं अकेला हूँ, हमारे लड़के लोग उधर काम कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर सामने करिए, नीचे लाइए कैमरा को, ये देखिए ये वाले हम लोग माइनस वाले पे, यहाँ पर छोटा सा नट है अपने को मिल रहा है, नट बोल्ट, ये अपना 8 नंबर का है। और ये देखिए इसको कर लेना है ऐसे तरीके से, सभी में हम लोग को माइनस वाले पे हम लोग लगा लेते हैं, ठीक है। तो माइनस माइनस पूरा करते हुए जाना है, ठीक है। उसके कैसा होगा आपको दिखाते हैं, ये माइनस हो गया और इधर वाले माइनस, तो ये पूरा लगने दो, उसके बाद हम आपको बताते। तो चलो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो माइनस वाले में हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 पीस लगा दिए। उसके बाद हम लोग को इसको फुल टाइट कर देना है पाना में, ठीक है। पाना से टाइट करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, चलो अभी टाइट कर लो, उसके बाद आपको बताते हूँ कैसे इसको कनेक्शन करना। तो चलो दोस्तों यहाँ पर हम लोग माइनस वाले पे टाइट कर दिए। इसको क्या करना है, सीरीज में करना है, इसके साथ थोड़े करना है। इसके साथ करेंगे तो ऐसा शॉर्ट सर्किट होगा, इसके साथ नहीं करना है, अपने को दूसरे वाले बैटरी के साथ करना है, ठीक है। तो दूसरे बैटरी के साथ क्या करेंगे, इसको हम लोग को सीरीज में करना है, पैरेलल पे नहीं, सीरीज में करेंगे। तो ये होगा अपना कंटिन्यू, ऐसा करते हुए जाना है, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग जो है सीरीज में जोड़ देते हैं। देखिए ये एक बैटरी से दूसरा बैटरी में जाएगा, दूसरा से तीसरा में जाएगा, तीसरा से चौथा में जाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हो हम लोग कर दें सीरीज में इसको बैटरी को कनेक्शन, और आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आज हमारे पास कौन आया देख रहे हो, एक ट्रैक्टर ड्राइवर को काम में भिड़ा दिए अपना, तो ये लगा रहे नीचे वाले टर्मिनल। और अभी देखिए माइनस से प्लस और फिर माइनस से प्लस, ऐसा ऐसा हमारा जो बैटरी पे ये हमारा सीरीज होते होते आ रहा है, और लास्ट में हमारा जो क्या निकलेगा, माइनस ही निकलेगा। और माइनस निकल के कहाँ जाएगा, ये लंबा हल्का सा लीड ज़्यादा है, और ये जाएगा डायरेक्ट यहाँ पर प्लस पे। तो ये जो इनको बोले हैं प्लस वाले पे, सभी पे लगा दो वायर, ठीक है। तो सभी पे प्लस वाला वायर यहाँ पर ज्वाइंट चल रहा है, आप देख सकते हो। और इसको हम लोग को कहाँ पर लगाना है, ये वाले को प्लस वाले पे लगाना है। तो कौन से जगह पे, चलो आपको दिखाते हैं। यहाँ पर हमारा जो टर्मिनल स्टार्टिंग वाला जो 9 नंबर का जो हमारा बैटरी रहेगा, उसमें हम लोग को ये वाले को लगाना है। तो चलो यहाँ पर हम सब यहाँ पर लगा दीजिए नट बोल्ट, और इसको फुल टाइट कर देते हैं। उसके बाद जो है यहाँ से फिर से माइनस निकलेगा, प्लस जाएगा, फिर माइनस निकलेगा, प्लस जाएगा। तो चलो इसका वेयरिंग कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग लास्ट वाले एरिया पे आपको बताएंगे डिटेल। चलो यहाँ पर भी हम लोग जो है प्लस वाले पे लगा दिए, और ये जो है प्लस वाले पे ऊपर से आके यहाँ पर आया। तो ये जो है प्लस वाला कहाँ जाएगा सोच रहे थे ना, तो वहाँ पर माइनस से प्लस में आएगा, ठीक है। तो हम लोग इधर थे तो इधर ही लगा दिए, माइनस से प्लस में आएगा, फिर से माइनस से प्लस में आएगा, और ये ऐसा ऐसा होते होते यहाँ पर लास्ट में क्या बचेगा, माइनस बचेगा, तो और इधर क्या बचेगा, प्लस बचेगा। तो चलो आपको लगा लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं किस तरीके से ये होने वाला है। यहाँ पर प्लस से माइनस, फिर से यहाँ पर प्लस से माइनस, ऐसा करते करते हम लोग पूरा कनेक्ट करेंगे। चलो तो फाइनली यहाँ पर हम लोग इसका सीरीज में कनेक्शन कर दिए, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्टिंग हुआ, उसके बाद देखिए आप किस तरीके से यहाँ पर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, और ये प्लस, उसके बाद फिर से माइनस, फिर से प्लस माइनस प्लस माइनस, ऐसा हमारा जो निकल गया यहाँ पर माइनस और उधर प्लस। तो चलो यहाँ पर हम आपको बैटरी पे बैटरी का वायरिंग आप देख सकते हो, यहाँ पर स्टार्टिंग हुआ और इधर से गया, और ये नीचे वाले पॉइंट से आके यहाँ पर पॉइंट हुआ। तो इसका हम लोग को इसको कनेक्शन करना है, और इसको पहले तो हम लोग चेक करेंगे, कैसे चेक करेंगे, मल्टीमीटर पे। तो चलो यहाँ पर प्लस माइनस पे हम लोग मल्टीमीटर सेट करते हैं, इसको हम लोग वोल्ट पे रख देते हैं, और कितना पावर जनरेट हो रहा है अपने को पता चल जाएगा। तो अपने को कितने देना है यहाँ पर, 240 वोल्ट डीसी। तो चलो यहाँ पर हम लोग देखते हैं 240 वोल्ट निकलता है कितना, 2 पे लगा दिए, उसके बाद माइनस पे लगा देंगे, ठीक है। दोनों पे लग गया, चलो दिखाते हैं यहाँ पर कितना आ रहा है हमारा मल्टीमीटर में। तो यार बाप रे 204 आ रहा है, अपने को 240 कैसा होगा। तो चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर अपने को ये जो है 204 आ रहा है, मतलब आराम से ये चल जाएगा। अपने को यहाँ पर तो एक दो बैटरी और देना था कंपनी वाले को, ये दिया नहीं है, तो यहाँ पर आप लोग को प्रॉब्लम तो नहीं होगा। 240 दिया है तो 200 आ गया, मतलब 100% ये चलेगा, क्योंकि बैटरी
चार्ज नहीं होगा उसके कारण भी होता है ऐसा, और फुल चार्ज होगा तो पता चल जाएगा। तो यहाँ पर तो कोई बैटरी चार्ज होगा तो आ जाएगा आराम से। ये इस तरीके से ये बैटरी का वोल्ट चेक किया जाता है। और इसमें कनेक्शन कैसा करेंगे दिखा दे भाई। इसका टर्मिनल है मेल फीमेल, आप देख सकते हो जो लिथियम आयन बैटरी में रहता है ना उस टाइप का सॉकेट है। आप देखिए काफ़ी हेवी है और मेरे बाइक पे भी लगा हुआ है। और इसमें 10 mm का वायर दिया गया है। तो यहाँ पर सिंपली पहले सबसे पहले हम लोग को यहाँ पर वायरिंग कर लेना है। आप देख सकते हो ये प्लस वाले पे प्लस लगाएंगे, माइनस वाले पे माइनस। तो चलो यहाँ से माइनस प्लस निकल गया और यहाँ पर हम लोग पॉइंट कर दिए बैटरी को कनेक्शन, ठीक है। तो ये होगा MCB ऑन। उसके बाद हम लोग जाते हैं फ्रंट साइड पे, हम लोग थे बैक साइड पे। तो दिखाते हैं यहाँ पर हमारा जो है इन्वर्टर है ये कैसा वर्क करने वाला है। तो चलो यहाँ पर सिंपली ये स्विच को ऑन करेंगे और यहाँ पर देखने को मिल जाएगा आपको डिस्प्ले। तो आपको देख रहे हो यहाँ पर ये कुछ देर के बाद ये काम करेगा। और ये देखिए यहाँ पर है बैटरी लो है ऐसा लग रहा है, पूरा सिंबल है और चार्जिंग का भी कोई सिंबल नहीं है, आउटपुट पे भी लोड नहीं है। तो ये सिंपली आप देख सकते हो। और क्या क्या यहाँ पर देखने को मिल रहा है, यहाँ पर एम्पियर सेट, किलो वाट सब कुछ देख सकते हैं कितना लोड है यहाँ पर। तो इसको ऑन करते हैं और बैटरी लो है ना यहाँ पर, इसलिए ये ना अभी शट डाउन हो गया था फिर से। और ये देख सकते हो यहाँ पर बैटरी चार्ज करना पड़ेगा, पूरा बैटरी लो है। और अभी हम लोग इसको लेके जाएंगे, इसको अच्छे से वर्क कर रहा है ये, और इसको लेके जाएंगे हम लोग फ्लोर पैनल के पास। और बस वहाँ से यहाँ तक बैटरी को लाने में इन लोग का हालत खराब हो जा रहा। दो पहलवान भिड़े हुए हैं और उठा के लाने में कितना भारी है भाई, है देख रहे हो पैसा डाल दिया। तो चलो यहाँ पर हम लोग सेटअप कर दिए हमारा बैटरी और ये UPS इन्वर्टर। तो अभी हम लोग वायरिंग करने वाले हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर UPSDB2 है, UPSDB1। तो इसका वायरिंग कैसा होगा आप सोच रहे होंगे ना, यहाँ पर तो इसका पैनल दिया गया है, फिर इसको वायरिंग कैसे करेंगे। तो चलो वायरिंग स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग इसको पावर देंगे, पावर देंगे यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर 32 एम्पियर CK डिग्री का DP है, वहाँ से हम लोग को पावर देना है और ये पीछे में कनेक्ट करना है। तो चलो इसके लिए वायर हम लोग व्यवस्था करें। हमारे पास कटिंग वाला वायर था, केबल वायर आप देख सकते हो, 6 mm का केबल वायर है। और देखिए दोस्तों टाइम वेस्ट नहीं करते बोल के हम लोग यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर लक्स लगा दिए, वो पिन जैसा लक्स लगाए, रिंग जैसा लक्स लगाए, कहाँ कहाँ लगेगा चलो हम आपको बताते हैं। दो दो केबल, रेड टेप दिख रहा होगा ये हमारा लाइन इनपुट है, और येल्लो कलर का टेप दिख रहा हो वो आउटपुट है हमारा, ठीक है। तो चलो हम लोग जो है UPS के पीछे वाला टर्मिनल खोल दिए और आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर सिंबल था ये, इस तरीके से लगा था यहाँ पर। तो अपना इनपुट और आउटपुट कौन सा है आप देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। ये इनपुट है सिंगल फेस का और ये बीच वाला रनिंग अर्थिंग है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सेम प्रोसेस में हम लोग लगाने वाले हैं। तो यहाँ पर कौन सा केबल, पहले हम लोग देखिए यहाँ पर ये रेड वाला हमारा इनपुट है, ठीक है। तो हम लोग जो है सेम प्रोसेस में लगाएंगे, यहाँ पर पहले रनिंग अर्थिंग आप देख रहे हो और ये फेस है न्यूट्रल, ठीक है। तो चलो उसको बैठा देते हैं अभी। तो देखिए यहाँ पर जो है सबसे नीचे में हमारा फेस वाला था, ये न्यूट्रल वाला था सॉरी, तो न्यूट्रल लगा दे रहे हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद जो है हमारा दूसरा नंबर में क्या है, फेस। तो देखिए यहाँ पर रिंग लक्स लगाने का कारण ये है, काफ़ी मजबूती आएगा और ये कभी लूज कनेक्ट नहीं होगा, ठीक है, टेम्परी रहता है। तो यहाँ पर जो है कार्बन आने का टेंशन होता है, तो हम क्या कर रहे हैं जहाँ पर भी ये प्रोफेशनल काम करना रहे तो यहाँ पर रिंग लक्स हो चाहे पिन लक्स हो दोनों लगा के रखना है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम लोग न्यूट्रल पे न्यूट्रल लगा दी, फेस पे फेस, और ये रनिंग अर्थिंग, ये हमारा हो गया कनेक्शन, ठीक है। और इसके बाद हमारा टर्मिनल देखने को मिलेगा 3। तो ये कहाँ लगेगा चलो आपको दिखाते हैं, हमारा यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन पैनल पे। तो सबसे पहले आपको दिखा देते हैं, यहाँ पर आपको पैनल दिखाई दे रहा होगा, होल है, होल के नीचे से हम लोग इनपुट निकाल लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर MCB दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, इसमें कनेक्शन करने वाले हम लोग देने वाले रेड पे रेड। ये देखिए यहाँ पर ब्लू वाला फेस है, तो ब्लू वाले फेस पे एक पिन लॉक्स है हमारे, देखिए यहाँ पर पिन लॉक्स भी हम लोग यूज कर रहे हैं, हर काम अच्छे से करना है अपने को, बिल्कुल लूज कनेक्ट नहीं करना। यहाँ पर देखिए पिन वाला, तो ये न्यूट्रल डाल देते हैं यहाँ पर,
ठीक है, इसको फुल टाइट करना है, बिल्कुल लूज कनेक्ट नहीं रखना है, इसको भी सावधानी बरतना है। और ये देख रहे होगा यहाँ पर रनिंग अर्थिंग देखने को मिल रहा होगा ना, एक बच रहा है रनिंग अर्थिंग अपना। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सोच रहे हैं यहाँ पर नट पे टाइट कर दें, क्योंकि ये बॉडी पे तो रनिंग अर्थिंग है हमारा, ठीक है। तो हम सोचते हैं यहीं पर हम लोग रनिंग अर्थिंग बॉडी पे टच कर देते हैं यहाँ पर। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर MCB पे कनेक्शन कर दिए, फेस और ये न्यूट्रल डाल दिए, और यहाँ पर रनिंग अर्थिंग भी दे दिए, ठीक है। तो ये जो हमारा एक केबल एक वायरिंग हो गया हमारा इनपुट का, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये वायर नीचे झूल जा रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर केबल टाई लगा देंगे ताकि वायर जो है अच्छे से सेफ्टी रह जाए, ठीक है। तो चलो यहाँ पर दूसरे वाला हम लोग कनेक्शन करने वाला, अब सोच रहे होंगे ये क्या लुकिंग बनाया है भाई लोग, तो चलो ये पता चल जाए आपको। और ये रिंग वाले जो लग पॉइंट है यहाँ पर, तो हम लोग यहाँ पर इनपुट करने वाले हैं, ठीक है। तो ये देखिए आउटपुट है, ये देखिए यहाँ पर ये आउटपुट है, तो ऊपर वाला फेस है, नीचे वाला न्यूट्रल, ठीक है। तो इसको फिर से वैसे ही हम लोग लगा लेते हैं, पहले नट ऐसे डाल के अंदर करके, और इसको हम लोग को फुल टाइट कर देते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा इनपुट था, ये आउटपुट है, ठीक है। तो ये आउटपुट सिंगल फेस का है, और आप सोच रहे थे हमारा पैनल तो थ्री फेस का है, और ये जो है यहाँ का ग्रीन वायर को डिसकनेक्ट कर दिए, और ये आउटपुट वाला लाइन है। तो ये कहाँ पर कनेक्शन होगा, चलो आपको दिखाते हैं। इसको हम लोग को भी पैनल पे लेके जाने के बाद, देखिए यहाँ पर हम लोग इनपुट करते हैं, और इसको लेके जाना है कहाँ पर, इसको लेके जाना है जो हमारा UPS का जो सप्लाई आ रहा है ना, वहाँ पर देना है, UPS 1 और UPS 2 पे। तो इसको हम लोग को यहाँ पर मेन वाले लोग को डिसकनेक्ट करना पड़ेगा, और ये वाले कनेक्शन देना पड़ेगा, क्योंकि ऑनलाइन UPS से अपने को रनिंग अर्थिंग और ये दोनों देना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग तो चलो देखिए, जो हमारा UPS MCB बॉक्स जो था ना, वहाँ का सप्लाई लोग को हम लोग बंद कर देते हैं, और ये देख सकते हो, ठीक है, दोनों को बंद कर देना है यहाँ पर। और हम लोग जो आउटपुट वाले वायर लेके आए ना हमारा UPS से, उसको हम लोग को कनेक्शन करना है, और ये दोनों को टेप लगा देना है, ये चार पॉइंट है उस। तो चलो इसका कनेक्शन निकाल दिए, और हम लोग जो है जो न्यूट्रल पे न्यूट्रल यहाँ पर पॉइंट करते हैं, और हम लोग जो आउटपुट वाले कनेक्शन जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो चलो इसको कनेक्शन कर देते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं कैसे इसको करना है कनेक्शन। तो आप सोच रहे थे ना ये चार वायर किसका है, तो देखिए यहाँ पर लूपिंग के लिए हम लोग बनाए थे, जो येलो कलर का दिख रहा है ये हमारा फेस है, और ये फेस वाले पे हम लोग पॉइंट कर देते हैं, ठीक है। और एक ब्लैक कलर का वायर भी बच रहा है, उसको भी हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर लूपिंग करना है यहाँ पर, ठीक है। तो ये सिंगल फेस का UPS है, जो हमारा ऑनलाइन UPS है, और ये पैनल थ्री फेस का था। और आप सोच रहे थे ये वायरिंग कहाँ से आया, तो ये चलो ये कर दिए कनेक्शन, और ये वायर लोग को अच्छे से ट्विस्ट कर देते हैं इधर पीछे तरफ लेके, और ये देखिए इसका वायरिंग हो गया, ठीक है। UPS आउटपुट का हमारा कनेक्शन हो गया, आप देख सकते हो ये वाला आया नीचे से, और ये नीचे तरफ आके ऑनलाइन UPS पे ज्वाइंट हो गया, ठीक है। तो एक बार वायरिंग आपको और दिखा देता हूँ, यहाँ पर देखिए नीचे वाला हमारा इनपुट है, ये आउटपुट है, और इसमें कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर सब MCB बंद कर दे, शट डाउन। और ये देखिए ये बैटरी का है, तो बैटरी तो कनेक्शन किए हैं, तो क्या करना है, सिंपली यहाँ पर ये प्लगिंग कर देना है। ये गलत तो लगेगा नहीं, और लगेगा तो सही, ठीक है। चलो दिखाते हैं किस तरीके से लगने वाला है, एक पास लेके आ जा, ये देखिए ये ऐसा ये जाएगा, हल्का सा दिक्कत जा रहा है वायर लोग यहाँ पर, देखिए ये हो गया बैटरी कनेक्शन, और ये MCB ऑन, यहाँ पर DC